वो सब ये लोग जो अपनी मर्जी का इस्लाम चाहते हैं, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मर्जी का इस्लाम तो नहीं हो सकता, मर्जी का कुफर हो सकता है। अल्लाह, वजह यह कि इस्लाम एक ही है। सुभान अल्लाह। कुफर अपनी बुनियाद में एक है, अल कुफर मिल्लत वाहिदा, लेकिन आगे उसमें वैरायटी बहुत है। यानी उसके अंदर जो है कुछ अहले किताब है, कुछ गैर अहले किताब है। गैर अहले किताबों के अंदर कुछ बुत परस्त है, कुछ दहरिये हैं जो दीन को असलन नहीं मानते। तो यूं जो है वो कुफर में तो चॉइस बहुत ज्यादा है कि उसमें बहुत सारे रास्ते हैं, जो जिस पे चलता है तो उसकी मर्जी है, उसने अपनी अपना हिसाब देना है। लेकिन इस्लाम को अगर कबूल करना है और इस्लाम को मानना, तो फिर मर्जी का इस्लाम नहीं, अपनी मर्जी का इस्लाम नहीं, खुदा की मर्जी का इस्लाम, रसूलुल्लाह की मर्जी का इस्लाम, कि जो एक ही इस्लाम है फिर उसी पे चलना पड़ेगा। हाँ, इस्लाम के अहकाम के अंदर चॉइस हो सकती है कि किसी को फराइद व वाजिबात के बाद खास मुस्तहबात पसंद है, वो उसके मुताबिक अमल कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी का इस्लाम से ये मुराद कि इस इस्लाम के जो कतईयात और मुसलमात हैं उनके अंदर भी मैं अपनी मर्जी से तब्दीली कर लूँ और अपनी मर्जी से इंतखाब कर लूँ, ये नहीं हो सकता।